क्रॅश करा आणि जिंका, त्यामुळे तुम्ही जिंकून जाऊ शकता. तुमच्या आवडत्या ट्रॅक्टर सोबत तुम्हाला 2005 आणि देत आहे. फाइव स्टार इंजन के साथ लॉन्च हुआ है 4x2 में. तीन सिलेंडर 50 HP सुपर प्लस. तर तुम्हाला 10 फीचर्सची माहिती सांगायची आहे, म्हणजे मॉडेलच्या बद्दल 10 फीचर्सची माहिती तुम्हाला सांगायची आहे. ऑप्शन आहे इसमें ये टू व्हील है फिलहाल में. किसान ट्रैक्टर फैन चैनल पर आपका स्वागत है. हम जानकारी लेते हैं आईसर 480 प्लाइमा सीरीज का ये ट्रैक्टर है और ऑयल बाथ एयर क्लीनर के साथ आता है. 3-stage 5-star की बैजिंग के साथ में पुश बटन है इसका. डीजल टैंक जो है पुश बटन है, एक स्विच के साथ आप इसे खोल सकते हैं. पुश बटन के साथ में आता है. अच्छा यहाँ ये ऊपर वाला है स्विच. हाँ ऊपर वाला है पुश बटन के साथ में. ठीक है स्विच है यहाँ इसमें. ट्रैक्टर इंडस्ट्री में शायद मेरे ख्याल से सबसे पहला स्विच है, बाकी ट्रैक्टरों में नहीं आता है. और इसमें ना सबसे मेन इसमें सर्विस रिमाइंडर भी है जी. आपका जो सर्विस रिमाइंडर आता है उसके बाद में इसमें पावर स्टेयरिंग जो दिया हुआ है वो फार्मूला 1 रेसिंग कार का जो छोटा रहता है जी, उस टाइप में स्पोर्टी स्टेयरिंग है. स्पोर्टी स्टेयरिंग है, एक्सीवी टाइप में सीट दी हुई है. सीट दी हुई है जी, साइड शिफ्ट में है. स्टेयरिंग में ये हॉर्न है. हॉर्न जी, हॉर्न कार सेगमेंट में जैसा हॉर्न आता है. मैं दिखा दूं स्टेयरिंग में इसका हॉर्न है. स्पोर्टी लुक में इसका स्टेयरिंग दिया हुआ है, देख सकते हैं आप. और ये हॉर्न इसी में दिया हुआ है. और इसमें ये भी है स्टेयरिंग नॉब आसानी से चलाने के लिए. और ये है पूरा डिजिटल मीटर से. हाँ फुल्ली डिजिटल मीटर से. हैंड रेस हो गई है साइड में, काफ़ी अच्छी है. इसमें भी हैंडल ग्रिप लगी हुई है. और ये लाइटों के स्विच हो गए, इंडिकेटर के स्विच हो गए, ये हजार स्विच हो गए. ये वाला स्विच किसका है इसमें सर? ये जो है ना ये वॉक मी होम करके है. एक्चुअली जैसा ट्रैक्टर अपन क्या होता है ना, कस्टमर क्या होता है जब घर में पार्क करता है ट्रैक्टर, घर आंगनों में थोड़ा ये रहता है, गांव खेड़े में क्या रहता है अंधेरा रहता है, कुछ नुकीली चीजें रहती है, बिच्छू ये वो. तो ट्रैक्टर का ये खासियत है कि जब आप इसको बंद करने के 2 मिनट पहले जब ये बटन दबा के रखते हैं तो गाड़ी बंद होने के बाद में, ट्रैक्टर बंद होने के बाद में 45 सेकंड हेडलाइट चालू रहता है. चालू रहेगी गाड़ी की तरह सिस्टम. हाँ सिस्टम, तो ताकि कस्टमर अपने घर तक पहुँच जाए आसानी से, सेफली पहुँच जाए. जी जी. इसमें ना आपकी जो हाइड्रोलिक्स के ये ड्राफ्ट लीवर है, ACDC जी, बिल्कुल बिल्कुल नजदीक में है. ACDC लीवर है इसमें. और इसको हाई में डिजाइन किया हुआ है, आर्ट फॉरवर्ड 2 रिवर्स के साथ में जी. हाँ इसका जो डिजाइन है वो कोरियन कंपनी ने किया हुआ है, जो इसको एरोडायनामिक शेप बोलते हैं, जो हवाई जहाज के तहत की एयर फ्लो इसका सही बना रहे हैं, एयर कट के लिए करते हैं. हाँ जी. और पूरा वन बॉडी है, पूरा सिंगल पीस बोनट में, सिंगल पीस बोनट में है. ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग और 3 सिलेंडर. कितनी एचपी? 3 सिलेंडर है ये. 45 HP 2700 CC में. सीसी कितनी है इसकी? 2700 CC में. और लाइट्स भी इसके बहुत बढ़िया दिए हुए हैं. हाँ यूरोपियन डिजाइन में है इसमें. इसका बेनिफिट ये है कि आप जैसा कार में आप जैसे जाते हैं तो जब आप रात को ट्रैवल करते हैं तो कार जिस तरह पूरा एरिया कवर करता है, तो खेती में भी जब अपन रात को काम करते हैं ना तो ये पूरा एरिया कवर करता है.
बिल्कुल, ताकि आपका सेफ रहे, कहीं बार उतार कहीं कोई जगह ना छूटे, जगह ना छूटे और कहीं पे ढलान है क्या है तो आपको क्लियर दिखता दिख जाए। बाकी इसमें हेवी कंपनी फिटेड बम्पर है, 90 केजी का इसमें कंपनी फिटेड बम्पर है, ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग आता है इसमें, नॉन एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल है और 4x2 है, 4x4 का भी इसमें, ये टू व्हील है इसमें 4x4 का भी ऑप्शन है, इसमें भी है 4x4 का ऑप्शन, इसमें भी है 4x4 का ऑप्शन, 480 में 1428 के इसमें पीछे के टायर है, 13 का भी इसमें ऑप्शन है, ये इसमें आप देख सकते हैं 1428 के टायर है, 13 के भी इसमें ऑप्शन है, ठीक है, और इसमें ग्राउंड पीटीओ, जीएस पीटीओ, एमएस पीटीओ, आई पीटीओ, रिवर्स पीटीओ, पीटीओ के बहुत ऑप्शन है, जैसे मेसी में पीटीओ का ऑप्शन है वो इसमें, थ्री लिंकेज सेंसिंग के लिए इसमें पीछे दिए हुए हैं, मल्टी स्पीड इसमें, हाँ मैंने बोल दिया वो पीटीओ इसमें मल्टी स्पीड है, ग्राउंड पीटीओ, जीएस पीटीओ, रिवर्स पीटीओ, जी, और ये फोन चार्जिंग के लिए इसमें बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पे सेपरेट, वाटर बॉटल होल्डर है, रिवर्स लाइट है, ये दिया हुआ है, फोन चार्जिंग के लिए इसमें चार्जर भी है, इसमें आपको खाली डाटा केबल लगानी है, आप देख सकते हैं चार्जर नहीं लाना, ओनली डाटा केबल लगानी, उसी से फोन चार्ज हो जाएगा, रिवर्स लाइट हो गई है, मलघाट काफ़ी शानदार है, साइड गेयर में आता है ये, एडजस्टेबल सीट है इसकी, ऑयल ब्रेक के साथ में, ये हैंड ब्रेक का लीवर हो गया और ये बैटरी कवर हो गया, ये हाइड्रोलिक फिल्टर है, काफ़ी बड़ा है इसमें, अपनी श्रेणी में इसमें काफ़ी बड़ा है, इसमें हाइड्रोलिक फिल्टर दिया हुआ है, एयर कूल्ड है, नहीं एयर कूल्ड नहीं है सर, ये वाटर कूल्ड है, वाटर कूल्ड है, सॉरी हाँ वाटर कूल्ड है, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, जो ये जाली है थ्री, हाँ तीनों साइड से, तीनों साइड से इसमें जाली है, जो अच्छे से एयर हवा का जो फ्लो है वो अच्छे से बना रहा है, ट्रैक्टर ठंडा बना रहा है, दूसरा अगर इसको आप खोलते हैं तो रेडिएटर काफी पीछे दिया हुआ है जी, देखिए जो रेडिएटर और ये इसमें अगर एक्सीडेंटल भी होता है तो रेडिएटर काफी दूर है, काफी दूर है, वहाँ तक डैमेज ना पहुंचे, कम से कम कोशिश ये हो कम से कम डैमेज हो, नुकसान कम हो, जी जी, तो इसकी एक्सोरूम प्राइस क्या है, इसका सर कोटेशन प्राइस मैं बता देता हूँ, देखना पड़ेगा, ये मेला लगा हुआ है नागपुर में महाराष्ट्र में, तो प्राइस अभी बता रहे हैं आपको, इसमें 650-16 का भी ऑप्शन है, फ्रंट टायर का 4x4 का भी ऑप्शन है, इसमें पीछे के टायर इसमें 1428 के हैं, 13 का भी ऑप्शन आप इसमें ले सकते हैं, प्राइस मैं अभी बता रहा हूँ इसका, इसका जो प्राइस है वो 4x2 में टू व्हील ड्राइव में 8,21,000, 4x4 में कितना होगा लगभग, उसमें 70-80,000 रुपये बढ़ जाएंगे जी, जी लगभग 1,00,000 रुपये प्लस के आसपास मान के चलो 4x4 में, ठीक है किसान भाई धन्यवाद, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, प्राइमा G3 सीरीज है नए मॉडल में जो आया है, साइलेंसर गार्ड के साथ में, किसी का हाथ ना जले इसमें, धन्यवाद किसान भाइयों, ये किसान मेला लगा हुआ है यहाँ पे, ये आईसर का स्टॉल है, उधर मेसी का है, कुबोटा का भी है।